हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ का जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ निम्नलिखित में से कपास से ब्योला अलग करने की मील कौन सी है। व्हाट इज़ द मेथड या फिर ऑफ सेपरेटिंग कॉटन सीड फ्रॉम कॉटन, कौन सी है गिनिंग मील। ठीक है, तो इसको जिनिंग भी कहा जाता है, गिनिंग भी कहा जाता है, तो लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो जिनिंग ही है, मेरे मुँह से भी गिनिंग ही निकलता है, तो जिनिंग मील है। ठीक है, नेक्स्ट, किस व्यक्ति को समुदाय और धर्म से ऊपर माना जाता है। विच पर्सन इज कंसिडर्ड अबव कम्युनिटी एंड रिलीजन, किसको माना जाता है समानता के लिए संघर्ष करने वाले को। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, जो इक्वालिटी के लिए संघर्ष कर रहा है उसको एक समान माना जाता है। तवा मत्स्य संघ किस राज्य में, इन विच स्टेट द तवा मत्स्य संघ इज सिचुएटेड, कहाँ पर है तवा मत्स्य संघ, तो ये इट्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों को सम्मान की दृष्टि से देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीट्स द इंडियन सिटीजन्स विद रिस्पेक्ट, सो इट्स भारतीय संविधान, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, उसके बाद में सप्ताह में दो बार लगने वाला इरोडा का कपड़ा बाजार कौन से प्रदेश में है। इन विच स्टेट इरोडा टेक्सटाइल मार्केटिंग टेकिंग प्लेस ट्वाइस इन अ वीक, कहाँ पर है ये, इट्स तमिलनाडु, कहाँ पर है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, साप्ताहिक बाजार कब लगता है, वेन द वीकेंड मार्केट हेल्ड, सप्ताह में एक निश्चित दिन, अ फिक्स डे ऑफ द वीक। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद में तवा क्या है, व्हाट इज तवा, तवा एक रिवर का नाम है। ठीक है, क्या है, एक रिवर का नाम है, नदी का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की चुनौती नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा सभी सेवाएं सबके लिए समान, ऑल सर्विसेज आर इक्वल फॉर ऑल। नेक्स्ट, उसके बाद में नाइन्थ क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी चीज़ है जो रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ती है। व्हाट इज़ द कनेक्ट कॉटन, व्हाट इज़ दैट कनेक्ट कॉटन प्रोड्यूसर टू अ सुपरमार्केट बायर, तो इट्स बाजार श्रृंखला, मतलब मार्केट चेन, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, टेंथ क्वेश्चन इज, घर से बाहर हाउ कैन अ पुरुष बी मेड बाय एंटरिंग द मार्केट विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, घर से बाजार जाए बिना बाजार में प्रवेश खरीदारी कैसे की जा सकती है, तो इट्स ऑनलाइन। अब आपको पता है कोविड में ऑनलाइन का प्रचलन कितना ज़्यादा हो गया है, तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, तवा नदी बांध पर कब बनाया गया था, तवा नदी पर बांध कब बनाया गया, व्हेन वाज द तवा रिवर डैम कंस्ट्रक्टेड, तो इट्स आंसर इज 1958 1978, इसके बीच में बनाया गया था, 58 78। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, दादन व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुटिंग सिस्टम, इज पुटिंग आउट सिस्टम व्यापारियों और बुनकरों के बीच व्यवस्था, सिस्टम बिटवीन द मर्चेंट्स एंड वीवर्स। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार में हमें वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डू वी गेट थिंग्स चीपर, कहाँ पर मिलती हैं, साप्ताहिक बाजार, मतलब वीकली मार्केट, देखते हैं ना आप, हमें जिसकी सेल बोला जाता है, संडे सेल लगती है, मंडे सेल लगती है, ट्यूसडे सेल लगती है, तो वो उसे वीकली मार्केट कहा जाता है। उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य कड़ी को क्या कहा जाता है, हु इज द इंटरमीडिएट पर्सन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो इस आंसर इज व्यापारी, मतलब बिजनेसमैन। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद में 15th क्वेश्चन इज, हम विज्ञापन कहाँ देखते हैं, वेयर डू वी सी एडवर्टाइजमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब पर, मतलब अगर आपको ऑप्शन में टीवी है, न्यूज़पेपर है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपका आंसर सब पर होगा। ठीक है, टीवी नहीं लगाना है, सारी चीज़ें होंगी उसमें जो आंसर्स थे। टिहरी बांध कहाँ पर है, वेयर इज टिहरी बांध लोकेटेड, टिहरी बांध इज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में है टिहरी बांध, उत्तराखंड में कहाँ पर, देहरादून से जब आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा टिहरी में। नेक्स्ट, उसके बाद में बाजार की वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाने का सही क्रम लिखिए, तो हमें सही क्रम लिखना है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस बाय विच प्रोडक्ट रीच टू द कस्टमर, तो सबसे पहले उत्पाद कारखाने में रहता है, फिर व्यापारी पे जाता है, फिर फुटकर व्यापारी पे जाता है, और उसके बाद उपभोक्ता पे जाता है। इन इंग्लिश फैक्ट्री, देन उसके बाद बिजनेसमैन, उसके बाद रिटेलर, बिजनेसमैन, देन उसके बाद कंज्यूमर, मतलब हमारे पास आती है चीज़। खरीदे गए सामान को भुगतान के बाद में करने या सुविचार कौन से बाजार में होती है। सुविधा, इन विच मार्केट देन इज फैसिलिटी टू पे लेटर फॉर द परचेज गुड्स, तो इट्स मोहल्ले की दुकान में, स्ट्रीट ग्रॉसरी शॉप। ठीक है, ये देखा ना, जब उधार वगैरह दे देते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, कि जो हमारी कॉलोनीज में दुकान होती हैं, जान पहचान के होते हैं, वहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य चुनौती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, तो इट्स आंसर अगेन ऑल ऑफ द अबव। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होगा, विदेशी व्यवसायी व्यवसायी द्वारा न्यूनतम मूल्यों व शर्तों पर माल खरीदने का मजदूरों पर क्या असर पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बाइंग गुड्स बाय अ फॉरेन बिजनेसमैन एट अ मिनिमम प्राइस एट कंडीशन ऑन द वर्कर, तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव ही आ जाएगा। ये सेम आंसर इसका भी होगा और ये सेम आंसर इसका भी होगा, दोनों का आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ओके, सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो, अवसर ऐप से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए हो, या फिर आपको अवसर ऐप से रिलेटेड कोई डाउट हो, सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।